बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहमान नहायत रहम वाला है। हम चैप्टर पैट्रियटिज्म के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और आज हम देखेंगे क्लासरूम लैंग्वेज। जब हमने क्लासरूम में होते हैं तो हम रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं टीचर से और अपने क्लास फेलोज से। तो हम इसमें मॉडल्स ऑफ परमिशन यूज़ करेंगे, कैन, कुड और मे। प्रैक्टिसिंग गुड मैनर इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना बहुत अहम है। बीइंग पोलाइट एंड कर्टियस मीन्स कंसिडरिंग हाउ अदर्स आर फीलिंग। पोलाइट और कर्टियस होने का ये मतलब है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लिसन एंड रिपीट, मेरे आवाज़ को सुने और मेरे साथ दोहराई करें। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, ये इसका उर्दू मानी है। आप अगर अपनी इंग्लिश बेहतर करना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे जुमले रोज़ क्लास में बोला करें। मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं सवाल पूछ सकती हूँ। जब आपने टीचर से कोई सवाल पूछना हो अपना है हाथ खड़ा करें और जब वो आपसे कहें तो आप पूछें मे आई आस्क अ क्वेश्चन। और अगर आपको अपनी पेंसिल शार्पन करनी है, तराशनी है, तो आप परमिशन ले सकती हैं। मे आई शार्पन माई पेंसिल, क्या मैं अपनी पेंसिल तराश सकती हूँ या सकता हूँ। अगर आपको टॉयलेट जाना है उसके लिए आप बोलेंगे मे आई गो टू द टॉयलेट प्लीज़। प्लीज़ लगाना जो है वो ज़्यादा कर्टियस है, क्या मैं बैतुल खला जा सकती हूँ। और अगर आपको प्यास लगी है तो आप पूछ सकती हैं कैन आई ड्रिंक वाटर प्लीज़, मैं पानी पीने के लिए जा सकती हूँ। प्लीज़ का मतलब होता है बराए मेहरबानी, यानी आपकी बहुत मेहरबानी होगी आप मुझे पानी पीने की इजाज़त दे दें। कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप टीचर से कह सकते हैं कि आप इसको दोबारा समझा सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन। और अगर आपको नज़ला है, आपने नाक साफ करनी है, तो आप कह सकते हैं कैन आई ब्लो माई नोज प्लीज़, क्या मैं अपनी नाक साफ कर सकता हूँ या सकती हूँ। कैन आई क्लीन द ब्लैक बोर्ड प्लीज़, आप टीचर की हेल्प कर सकते हैं कि अगर ब्लैक बोर्ड साफ करना है तो आप टीचर से इजाज़त लें। कैन आई क्लीन द ब्लैक बोर्ड प्लीज़। और फिर अगर आपने दूर बैठे हैं तो आप कैन आई गो टू द ब्लैक बोर्ड प्लीज़, आप अपनी सीट चेंज करना चाहते हैं तो आप टीचर को बता सकते हैं कि मैं करीब हो जाऊँ ब्लैक बोर्ड के। इसी तरह अगर आपको गर्मी है, खिड़कियाँ बंद हैं, आपको पसीना आ रहा है, तो आप टीचर से पूछ सकते हैं कैन आई ओपन द विंडो प्लीज़, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ। और इसी तरह अगर आपको अपने क्लास फेलोज के साथ बॉल्स उसके पास हैं, वो आपको खेलने हैं, तो आप उससे पोलाइटली पूछ सकते हैं कैन आई हैव अ बॉल, क्या मुझे एक बॉल मिल सकता है, एक गेंद मिल सकती है। और अगर आपने बाहर जाना है तो आप पूछ सकते हैं मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। हमेशा क्लास में परमिशन लेकर बात करें पोलाइटली। वुड यू एक्सेप्ट माई होमवर्क लेट, क्या आप मेरा होमवर्क देर से कबूल कर लेंगी, कि आप टीचर से पूछ रहे हैं कि आपको की परेशानी है जिसकी वजह से आप अपना होमवर्क टाइमली सबमिट नहीं कर सकते। टीचर जो है वो आपका होमवर्क एक्सेप्ट भी कर सकती हैं, वो नो भी कर सकती हैं। नो आई एम सॉरी आई कांट आई डोंट एक्सेप्ट लेट होमवर्क। वुड यू माइंड लुकिंग ओवर माई असाइनमेंट, आपको मेरी असाइनमेंट पर नज़र डालने में कोई एतराज़ तो नहीं होगा। असाइनमेंट कहते हैं कोई भी काम जो टीचर घर के में करने के लिए दें। आई एम नॉट श्योर इट्स राइट, मुझे इत्मीनान नहीं कि ये सही है। आप अपनी असाइनमेंट देते हुए टीचर को अपनी परेशानी बता सकते हैं। उसके बाद आपने अगर जल्दी जाना है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं कुड आई लीव क्लास 10 मिनट्स अर्ली टुडे, क्या मैं 10 मिनट पहले क्लास छोड़ सकता हूँ। क्लास छोड़ने से पहले टीचर से पूछें। इसी तरह विल यू लेट मी कॉपी योर होमवर्क, क्या आप मुझे अपना होमवर्क कॉपी करने देंगे
कॉपी करना है तो नहीं, खुद काम करना चाहिए, तो इसका जवाब है नो। और फिर अगर कोई पूछता है आपसे कैन आई बोरो योर इरेजर फॉर अ मोमेंट, क्या मैं एक मिनट के लिए तुम्हारा इरेजर ले सकती हूँ, रबड़ मिटाने वाले रबड़ को इरेजर कहते हैं, उसका जवाब आप दे सकते हैं श्योर, यकीनन आप ये ले सकती हैं। कैन यू रिपीट दैट प्लीज़, क्या आप इसकी दोहराई या तकरार कर सकती हैं, अगर आपको कोई सेंटेंस समझ नहीं आया तो आप हाथ खड़ा करें। और यू कैन रिक्वेस्ट योर टीचर, कैन यू रिपीट दैट प्लीज़, कैन आई बोरो योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल के लिए उधार ले सकती हूँ। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप पोलाइटली धीमी आवाज़ में पूछें, मे आई जॉइन द क्लास, क्या मैं जमात में शामिल हो सकती हूँ, अगर आप कमरे से क्लासरूम से बाहर गई हैं तो वापस आने के लिए कोई डिस्कशन हो रही है तो पहले आपको इजाज़त लेनी चाहिए। अगर आपने कैन यू हेल्प मी प्लीज़, अगर आपको बुक रीडिंग में मुश्किल है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। और फिर अगर आपने देखा है लाइट्स फालतू में ऑन है तो आप कह सकते हैं कैन आई स्विच ऑफ द लाइट्स, मैं जो है वो लाइट्स को ऑफ कर दूं। तो इस तरह से आपकी झिझक ख़त्म होगी इंग्लिश बोलने में। और अगर छुट्टी के वक्त से पहले आप टीचर से पूछ सकते हैं कैन वी पैक आवर थिंग्स, कि अब हम अपने बैग्स जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो पैक कर सकते हैं, वापस बैग्स में डाल सकते हैं। तो कैरेक्टर, इट्स हाउ यू लिव लाइफ व्हेन नोबडी इज़ लुकिंग, किरदार क्या है, जब एक आप ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जिसमें आप सही चीज़ करते हैं जबकि कोई भी नहीं देख रहा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।